विधायक कुणाल चौधरी ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे स्वर्गीय ब्रजेंद्र सिंह के परिवार पर प्रदेश में हुए उपचुनाव के दौरान भाजपा ने लगातार उनके परिवार पर भाजपा में शामिल होने का दबाव बनाया है। कुणाल चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार के दबाव में न आते हुए जब स्वर्गीय ब्रजेंद्र सिंह राठौर का परिवार सेवा के संकल्प के साथ कांग्रेस के साथ बना रहता है तो उन्हें अनैतिक तरीके से चुनाव हरवा दिया जाता है। जिस प्रकार से लोगों पे अत्याचार करने का काम करती है मध्य प्रदेश विधानसभा के हमारे यहाँ के एक वरिष्ठ बुंदेलखंड के नेता स्वर्गीय ब्रजेंद्र सिंह जी राठौर साहब, जो इस सार्वजनिक जीवन में जिन्होंने 40 वर्ष तक इस मध्य प्रदेश के अंदर सार्वजनिक जीवन के अंदर सेवा करी, इस सदन के अंदर कई सालों तक सदस्य रहे और मंत्री के रूप में भी इस मध्य प्रदेश के अंदर काम किया और उन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक के तौर पे, सर्वश्रेष्ठ राजनेता के तौर पे जिनको चिन्हित किया गया। जब उनकी आकस्मिक मृत्यु कोरोना काल के अंदर हुई और जिन परिस्थितियों में हुई और जिन परिस्थितियों में जब उपचुनाव हुआ, मध्य प्रदेश की सरकार में बैठे मुख्यमंत्री और वहाँ के पूरी सरकार, उस परिवार के ऊपर बार बार दबाव बनाया जाता है कि आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें। जब वो परिवार सेवा करने के संकल्प के साथ कांग्रेस के साथ रहता है तो जिस तरीके से अनैतिक तरीके से उनको चुनाव हराया जाता है और चुनाव हराने के बाद जिस तरह की अत्याचार की पराकाष्ठा सरकार कर रही है और अनाचार की पराकाष्ठा कर रही है, ये कहीं ना कहीं इस प्रदेश के लिए सोचने की बात है कि जो ब्रजेंद्र सिंह जी, जो इस मध्य प्रदेश के इतने सम्मानित सदस्य रहे, उनका भतीजा विशेष सिंह जो है वहाँ पे अपना एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसका भूखंड खरीदते हैं वो 2015 के अंदर, जिसका डायवर्शन होता है 13/3/2020 को व्यावसायिक डायवर्जन, परमिशन नगर पालिका नगर पंचायत पृथ्वीपुर देती है 16/3/2020 को, और जो जब सरकार के अंदर जो काम चालू होता है और जब सरकार ये चुनाव हारने के बाद जिस तरह से बदला लेने का काम करते हैं, 12 तारीख के दिन उनको एक नोटिस दिया जाता है कि आप 13 तारीख को सक्षम अधिकारी के समक्ष खड़े होकर अपनी बात को प्रस्तुत करने का काम करें, पर 13 तारीख के दिन का समय ये नहीं लिखा जाता कितनी बजे तक आए, और 12 तारीख की रात को और 13 तारीख को सुबह 4 बजे उस उनके निर्माणधीन कॉम्प्लेक्स को तोड़ने का काम किया जाता है। क्या अत्याचार की पराकाष्ठा भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर रही है? वही जिस जगह पे उस जगह को तोड़ा जाता है, मैं उसके फुटेज भी मेरे पास है कि इस कॉम्प्लेक्स को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स को, और उसी के बगल में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष का सरकारी जमीन के ऊपर, जहां पे सरकारी जमीन है उसके ऊपर जिनका कहीं ना कहीं एक वो बना हुआ शादी हाल, उसको तोड़ने का काम नहीं करा जाता है, पर तोड़ने का काम इसलिए करा जाता है कि कैसे इस परिवार को तोड़ा जाए, पर सरकार ये ध्यान रखे सड़क से लेके सदन तक संघर्ष करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।